हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनीष है। आज हम लोग बर क्यूब सॉल्व करेंगे। इसको बर क्यूब बोलते हैं। ये ब्रिक टाइप का क्यूब है। इसको स्क्रैम्बल करने के लिए नॉर्मली अगर हम लोग पहले वॉल क्यूब में कन्वर्ट करें बर क्यूब को, तो स्क्रैम्बल थोड़ा आसानी से होता है, नहीं तो स्क्रैम्बल करने में भी इसको काफ़ी टाइम लगता है। उसको वॉल क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए पहले ये जो उसकी साइड्स है उनको बेसिकली एक सीधी लाइन में हमको लाना पड़ेगा ऐसे। ये राइट साइड, ये लेफ्ट और मिडल रो। ये अभी इसको ये जो राइट साइड है उसको ऐसे मूव करिए और लेफ्ट साइड को ऐसे मूव करिए, सो दैट सेंटर जो है वो ऐसे मूव हो सके। अभी हम लोग एक एल्गोरिथम करेंगे जिससे कि ये जो पोर्शन है ये अभी जो है यहाँ पर ये ऐसे पीसीज है जिससे हम लोग उसको मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग एक बार वॉल क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद वो आसानी से मूव हो सकेगा। वॉल क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए ये जो है इसको राइट और लेफ्ट को ऐसे मूव कर लीजिए, सो दैट वो मिडल से हम लोग इसको मूव कर सकें। अभी हम लोग एक एल्गोरिदम करेंगे। यू टू एम मतलब मिडल लेयर को दो बार मूव करेंगे। यू आई टू एम, फिर से यू टू एम, यू आई टू एम, फिर से यू टू एम, यू आई टू एम। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो मिडल लेयर है वो स्ट्रेट लाइन में आ चुकी है। अभी हम लोग इसको मूव कर सकते हैं। अभी हम लोग इसको स्क्रैम्बल करेंगे। तो अभी अच्छी तरह से स्क्रैम्बल हो चुका है, आप देख सकते हैं। अभी फर्स्ट स्टेप जो है वो मिडल लेयर को एक ही लाइन में हमको लाना है। ये जो मिडल लेयर है उसको स्ट्रेट लाइन में हमको लाना है, तो उसके लिए हम लोग देखेंगे कहाँ से मूव होता है। जैसे ये मूव हुआ, ये इंट्यूटिव है, तो आपको अलग अलग एंगल ट्राई करने पड़ेंगे जिससे कि आपका मिडल लेयर जो है वो, जैसे ये मिडल लेयर इतने तक क्लियर हुआ है, ये पीस जो है इनको हमको यहाँ पर लाना है। हम लोग यहाँ पर लेकर उसको नीचे ले जाएंगे और वापस इनको अपनी जगह पर ले आएंगे। ये जो है उनको यहाँ पर लेकर उनको नीचे ले जाएंगे और फिर अपनी जगह पर ले आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये मिडल लेयर जो है वो धीरे धीरे एक स्ट्रेट लाइन में आ गया है। अभी यहाँ पर अभी भी ये क्लियर नहीं हुआ है, तो इसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि कैसे हम लोग इनको मिडल लेयर को एक लाइन में ला सकते हैं।
ये थोड़ा आपको स्ट्रेटजी बना के करना पड़ेगा। इसके लिए थोड़ा आपको अलग अलग एंगल से देखना पड़ेगा, कौन से मुंह से हम लोग कैसे इनको एक स्ट्रेट लाइन में ला सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर क्लियर हुआ है, बट अभी ये पोर्शन जो है वो क्लियर नहीं हुआ है। तो उसके लिए हमको ये जो साइड पीसेस हैं उनको यहाँ पर लाना है, ये यहाँ पर जाएगा। तो ये पीस को हमको यहाँ पर लेकर नीचे ले जाएंगे और वापस ले आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये क्लियर हो गया। अभी ये लाइन है, इनको यहाँ पर मूव करना है, तो इसको पहले ऊपर ले जाएंगे और इसको यहाँ पर लाकर इसको नीचे ले जाकर फिर से वापस ले आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट हमारा जो मिडल लेयर है वो क्लियर हो गया। अभी फर्स्ट स्टेप जो है उसमें वो आपको देखना है कि वाइट और येलो हमको पहले क्लियर करना है, ऊपर वाइट और नीचे येलो। सो हम लोग अभी ये तीन येलो यहाँ पर ऑलरेडी सेट है यहाँ पर, सॉरी तीन वाइट ऑलरेडी सेट है यहाँ पर, येलो जो है वो यहाँ पर है जो यहाँ पर होने चाहिए। तो उनके लिए हमको कुछ एक अल्गोरिदम्स एक करना पड़ेगा। वो अल्गोरिदम के हिसाब से ये एक मूवमेंट होगा जिससे ये वाइट पीस जो है वो ये पीस ऊपर जाएगा, ये येलो पीस यहाँ पर जो है पीस जो जो भी होगा वो नीचे यहाँ पर आएगा, और ये पीस जो है वो फ्लिप होके यहाँ पीछे जाएगा, और ये पीस जो है वो फ्लिप होके ऊपर आएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ ये अल्गोरिदम कैसे काम करता है। अभी जैसे ये येलो पीस जो है वो यहाँ मूव हो जाएगा, ये वाइट पीस ऊपर मूव हो जाएगा, ये येलो पीस जो है वो पीछे मूव हो जाएगा यहाँ पर, और पीछे मूव होगा तो ये फ्लिप होके मूव होगा, मतलब ये यहाँ पर येलो जो है यहाँ दिख रहा है फेसिंग वो नीचे आ जाएगा, और ये येलो ये वाइट जो यहाँ फेसिंग है वो ऊपर वाइट आएगा यहाँ पर। तो एक बार मैं करके आपको दिखाता हूँ। तो पहले ये पीसेस जो है वो ऐसे रखिए, और यहाँ पर भी ऐसे पीसेस रखिए, और एक मूव यहाँ से करेंगे हम लोग, यू टू आर टू एल, यू टू एफ टू बी, आर आई एल आई एफ टू यू एफ आई आर एल टू एफ टू बी यू आई टू आर टू एल यू आई। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो वाइट पीस यहाँ था वो ऊपर चला गया, ये येलो पीस यहाँ पर आ गया, यहाँ पर जो येलो पीस था वो फ्लिप होके यहाँ पर आ गया नीचे, और यहाँ जो वाइट पीस था वो फ्लिप होके यहाँ ऊपर आ गया। तो अभी हमको
ये पीस हम लोग इजीली ये पीस जो है उसको यहाँ मूव कर सकते हैं, ये पीस को यहाँ मूव कर सकते हैं। तो हम लोग इसके लिए इसको ऐसे कर लेंगे सो दैट ये पीस मिडल लेयर जो है उसको हम लोग पीछे ले जा सकते हैं और ये वापस ले आएंगे। तो ये जो येलो है वो अपने आप यहाँ पर सेट हो गया है, और यहाँ जो ब्लू है वो हम लोग अल्गोरिदम के हिसाब से ऊपर ले जाएंगे, और ये वाइट जो है वो पीछे चला जाएगा और ये येलो ऊपर आएगा फिर से। अभी हम लोग वही अल्गोरिदम फिर से करेंगे। उसके लिए हमको ये देखना है कि अभी ये दो पीस जो है वो ये वाइट तो यहाँ मूव हो जाएगा, बट ये वाइट पीस जो है वो यहाँ पीछे चला जाएगा फिर से, और ये येलो पीस फिर से यहाँ पर आ जाएगा। तो हमको ये देखना है कि ये पीस जो है वो ऐसे फ्लिप होके आए सो दैट नेक्स्ट टाइम हमको जब मूव करें तो ये पीस जो है वो यहाँ पर ऐसे येलो आए सो दैट। इसलिए हमको ये करना पड़ेगा कि ये पीस जो है उसको पहले ऊपर ले जाएंगे और ये पीस जो है उसको नीचे ले आएंगे, ये पीस को, और ये पीस ऊपर ले आए। अभी जैसे हम लोग एल्गोरिदम करेंगे तो ये पीस यहाँ पर आएगा, ये पीस जो है वो नीचे चला जाएगा और ये पीस जो है वो यहाँ आएगा। ठीक है, अभी फिर से वही एल्गोरिदम करेंगे, U2R2L, U2F2B, RI LI FU FI RL 2F 2B UI 2R 2L UI। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये पीस तो यहाँ पर आ गया, बट ये पीस जो वाइट था वो जो यहाँ था वो यहाँ मूव हो गया और जो यहाँ था वो यहाँ आ गया। अभी हमको एक इसको मूव कर लेते हैं यहाँ पर। अभी जैसे ही हम लोग सिमिलर एल्गोरिथम जो यहाँ किया था वो हम लोग यहाँ पर करेंगे, तो ये पीस जो है वो यहाँ जाएगा, ये पीस ऊपर जाएगा और ये येलो वाला पीस जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये दो क्लियर हो जाएंगे और यहाँ पर ये येलो रहेगा और यहाँ पर ये येलो रहेगा। तो अभी फिर से वो एल्गोरिदम करते हैं, U2R2L U2F2B RI LI FU FI RL 2F 2B UI 2R 2L UI। तो अभी आप देख सकते हैं जो यहाँ येलो पीस था वो ऊपर आ गया है, ये येलो यहाँ चला गया, ये येलो यहाँ चला गया। अभी हम लोग ऐसे करेंगे कि इसको मूव करके यहाँ ले आएंगे, ये ऐसे था, इसको हम लोग मूव करके नीचे ले आएंगे और ये जो पोर्शन है उसके पहले हम लोग एक काम करेंगे कि इसको हम लोग पहले नीचे ले जाएंगे, पीछे ले जाएंगे इनफैक्ट, ये जो है इसको यहाँ ले आएंगे, इसको यहाँ पर ले आएंगे। तो ऐसे, तो ये वाइट पीस जो था वो यहाँ था, यहाँ से यहाँ ले आएंगे, ये यहाँ पर आएगा। अभी हम लोग इसको नीचे कर लेंगे ऐसे, तो ये दो पीस हमारा सिक्योर हो गया, इसको अभी फ्लिप नहीं होगा। और ये अभी जो मूवमेंट होगा ये तीन पीस चार पीस में होगा, सॉरी ये तीन पीस में होगा और यहाँ पर चौथा पीस जो है यहाँ पर होगा। जैसे ही हम लोग मूवमेंट करेंगे
जो मूव होगा, ये पीस यहाँ पर मूव होगा, ये पीस जो है वो यहाँ मूव होगा, और ये वाला पीस जो है वो यहाँ मूव होगा। तो हमारा येलो और वाइट दोनों सॉल्व हो जाएंगे। यू टू आर टू एल, यू टू एफ टू बी, आर आई एल आई, एफ टू यू, एफ आई आर एल टू एफ टू बी, यू आई टू आर टू एल यू आई। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये येलो और ये वाइट, ये दोनों हमारे क्लियर हो गए हैं। अभी नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमको ये जो पीसेस है उनको एक लाइन में लाना है। तो देखना है कि ये ग्रीन रेड, तो यहाँ ग्रीन और रेड होने चाहिए। तो इसको मूव करके हम लोग देखेंगे, तो ये नहीं है, इसको मूव करके देखेंगे तो ये रेड है यहाँ पर। सो ग्रीन रेड आना चाहिए। तो दैट मीन्स यहाँ पर ये जो है ये मूवमेंट, इसको भी मूव करना पड़ेगा। तो जैसे ये यहाँ पर कई बार ऐसा हो सकता है आपको कि दो पीस एक ही साइड पे हो, जैसे ऑरेंज ऑरेंज ब्लू ब्लू, और ब्लू ब्लू ऑरेंज ऑरेंज, और यहाँ पर ग्रीन ग्रीन रेड रेड। तो जैसे यहाँ पर है ब्लू ब्लू ऑरेंज ऑरेंज, तो ऑरेंज तो है बट ब्लू की जगह पर ग्रीन आया है। तो हमको पहले इसके लिए एक अल्गोरिदम करना पड़ेगा। टू आर टू यू, टू आर टू यू, टू आर टू यू। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पीसेस थे वो अल्टरनेट अपनी जगह पर आ चुके हैं। अभी ये ग्रीन पीस जो है उसको हमको यहाँ मूव करना है, सो दैट ये मूव हो गया। तो आपका ग्रीन रेड और यहाँ पर ब्लू ऑरेंज ये सेट हो गया। अभी आपका नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये जो पीसेस हैं, ये पीसेस इनको हमको इसके साथ मैच करना है, सो दैट जब भी हम लोग उसको बर क्यूब या वॉल क्यूब में कन्वर्ट करें तो ये पीसेस ऐसे सेट हो जाए। तो हमको पहले मिडल लेयर देखना है सिर्फ ऐसे। तो हम लोग इसको आप 3x2, सॉरी 3x3 के हिसाब से, ये वन लेयर है, सेकेंड लेयर है, थर्ड लेयर है, और यहाँ पर वन टू एंड थ्री, वन टू एंड थ्री, ये एक ही हमको समझना पड़ेगा अभी। तो ये मिडल लेयर जो है वो हमको पहले सॉल्व करना है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर ब्लू है, तो ये पीस जो है वो ब्लू और ऑरेंज होना चाहिए, क्योंकि जैसे ये मूव होगा तो ये यहाँ पर आएगा, तो ये ऑरेंज के साथ मैच होना चाहिए इसके साथ। तो ये यहाँ पर ये ब्लू के साथ और ये पीस जो है वो ऑरेंज के साथ। सो ब्लू ऑन ऑरेंज हमको यहाँ पर एक पीस चाहिए, ब्लू ऑरेंज। तो ब्लू ऑरेंज जो है वो कहाँ पर है, ये पीस यहाँ पर है ब्लू और ऑरेंज। तो जैसे ये यहाँ पर है, ये पीस है, ये ब्लू और ऑरेंज पीस जो है वो यहाँ पर हमको शिफ्ट करना है। अभी आपने अगर कोई क्यूबॉइड सॉल्व किया है तो आपके लिए बहुत ये इजी रहेगा। उसके लिए मैं एक अल्गोरिदम करूँगा जिससे ये पीस जो है वो यहाँ मूव हो जाएगा,
और ये पीस नीचे चला जाएगा, बट इसके साथ ये पीस जो है वो भी फ्लिप होकर रिवर्स हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे होता है ये। अभी ये जो ब्लू और ऑरेंज वाला पीस है वो यहाँ पर आएगा, उसके लिए 2R, ये जो सेंटर वाला, सेंटर से आपको मूव करना है 2R U, 2R UI, 2R। तो वे अब देखते हैं ब्लू और ऑरेंज पीस यहाँ पर मूव हो गया, बट यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ ब्लू ऑरेंज था उसकी जगह पर ग्रीन एंड रेड आ गया, बट डोंट वरी अबाउट दैट, ये अभी सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो उनके लिए भी हम एक एल्गोरिथम कर सकते हैं जिससे ये साइड एक्चुअली फ्लिप हो गए हैं, तो फ्लिप फिर से हमको करके इसको राइट पोजिशन पर हम लोग ला सकते हैं। ठीक है, अभी ये ब्लू ऑरेंज हो गया, अभी हमको देखना है कि दूसरे पोजीशन पे क्या है। जैसे ये यहाँ पर ब्लू और रेड है, तो ये पीस तो यहाँ पर क्योंकि जैसे ही हम लोग इनको मूव करेंगे ऐसे, तो ये यहाँ पर आ जाएगा और ये ब्लू ऑरेंज इसके साथ मैच हो गया है। अभी पीछे ये जो है ग्रीन और ऑरेंज इसके पीछे आएगा, सो दैट वो एक लाइन में रहेगा। तो यहाँ पर जैसे ब्लू और ऑरेंज है और उसके बाद ऑरेंज और ग्रीन उसके साथ आएगा। मैं बताता हूँ आपको कैसे ये होगा। ये ग्रीन और ऑरेंज को हमको इसके पीछे हमको लगाना है, तो पहले इसको नीचे ले जाना पड़ेगा। नीचे ले जाने के लिए हमको पहले इसको मूव करना है, ये ग्रीन और ऑरेंज को पहले हम लोग नीचे ले जाएंगे 2R U, 2R UI, 2R। तो आप देख सकते हो कि फिर से वो जो फ्लिप होके साइड जो यहाँ पर ग्रीन और रेड था उसकी जगह पर ब्लू और ऑरेंज फिर से आ गए, और ये जो पीस था ऑरेंज और ग्रीन वाला वो नीचे चला गया। अभी हम देख सकते हैं कि ये अभी हम मैच करेंगे, तो ये पीस यहाँ पर मैच हो गया ब्लू के साथ ब्लू, और जैसे हम लोग नीचे जाएंगे तो ये ऑरेंज के साथ भी ये मैच हो गया। यहाँ पर फिर से एक ऑरेंज पीस आएगा जो हमने नीचे लेकर आए हैं, तो ये पीस को हमको इसके पीछे लगाना है यहाँ पर। तो उसके लिए ये जहाँ पर लाना है उसको ऊपर ले जाइए, मतलब इसको नीचे ले आइए और उसको ऊपर ले आइए, और अभी एल्गोरिथम करिए 2R U, 2R UI, 2R। तो आप देख सकते हैं कि ये पीस अपनी जगह पर आ गया। डोंट वरी अबाउट दिस, ये फिर से फ्लिप हो जाएगा और अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ब्लू और ऑरेंज और ऑरेंज और ग्रीन ये अपनी लाइन में सेट हो गया है। अभी हमको देखना है कि यहाँ पर कौन सा पीस आएगा। अभी ऑरेंज और यहाँ पर ऑरेंज और ब्लू, यहाँ पर ऑरेंज और ब्लू आएगा क्योंकि ये ऑरेंज है और यहाँ पर नीचे ब्लू पीस, तो ऑरेंज और ब्लू जो कि यहाँ पर है उसको हमको पहले ये साइड राइट साइड मूव कर लेना पड़ेगा ये कॉर्नर में, और ये लाइन तो क्लियर है क्योंकि यहाँ पर ये ब्लू और ऑरेंज है, तो ये ब्लू और रेड उसके साथ में ऑलरेडी सेट है। हमको ये यहाँ पर ब्लू और ऑरेंज पीस यहाँ पर सेट करना है, तो उसको नीचे ले आइए इसके नीचे, और वही एल्गोरिथम करना है हमको 2R U, 2R UI, 2R। तो भी आप देख सकते हैं कि ये ऑरेंज
और ब्लू यहाँ पर सेट हो गया है। तो जैसे ही हम लोग मूव करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये हम लोग जैसे ही इनको मूव करेंगे तो आप देख सकते ये मैच हो गया, यहाँ से ये भी मैच हो गया, ये ब्लू राइट। तो ये ब्लू अभी यहाँ पर दूसरा ब्लू पीस आएगा जो कि ऊपर है ये वाला, तो इसको हम लोग राइट साइड ले जाते हैं और इसके पीछे मतलब ग्रीन वाला जो पीस है वहाँ पर हमको ये ब्लू वाला पीस चाहिए। तो 2R UI 2R UI 2R। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये पीस जो है वो प्रॉपर सेट हो गया है और ये यहाँ पर सेट हो गया है। अभी हमको ये दो पीस जो है उसको स्ट्रेट करना है और ये साइड जो है उसको फ्लिप करना है। उसके लिए हम लोग इनको राइट हैंड साइड ले आएंगे और जहाँ पर ये फ्लिप होना है, और ये राइट हैंड साइड रख के हम एक एल्गोरिदम करेंगे जो क्यूबॉइड का नॉर्मली एल्गोरिदम है, सबको जो जिसने क्यूबॉइड किया होगा उसको पता होगा। 2R UI 2R UI 2R, इसको लेफ्ट मूव कर दीजिए और 2R UI 2R U 2R। तो आप देख सकते हैं कि ये पीस अपनी जगह पर आ गया, बट ये फ्लिप हो गया है यहाँ से। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर फ्लिप हो गया है। तो हम लोग उसके लिए एक अल्गोरिदम करेंगे। ये जो साइड है उसको मूव करने के लिए ये एक्चुअली फ्लिप हो गया है, ये वाइट पीस यहाँ पर होने चाहिए उसकी जगह पर येलो आ गया और ये वाइट पीस यहाँ पर चले गए। तो इसको एक्चुअली फ्लिप करना है। फ्लिप के करने के लिए एक एल्गोरिदम है, तो आप इसको ऐसे पकड़िए और यहाँ से एक मूव करिए 2R 2U 2F 2F, मतलब सेंटर से 2F 2U 2R 2U 2F। तो आप देख सकते हैं कि ये लाइन येलो और वाइट मैच हो गए और ये पोर्शन भी आप देख सकते हैं कि क्लियर हो गया है। सो अभी आप यहाँ पर ऐसे करके देखेंगे तो ये मिडल लेयर जो है वो सॉल्व होती हुई आपको नज़र आएगी। ऐसे ठीक है। अभी हमको देखना है जो साइड लेयर है ये नॉर्मली अभी क्यूबॉइड की तरह ही हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले हमको देखना है कि ये यहाँ पर कौन सा पीस आएगा। ये पीस जो है वो आएगा, पहले हम लोग नीचे का पोर्शन जो है ये पोर्शन हम लोग सॉल्व करेंगे, नीचे वाला पोर्शन। तो उसमें जितने भी कॉर्नर्स हैं वो हम लोग पहले सॉल्व करेंगे, फिर ऊपर वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे। तो नीचे पोर्शन में पहले यहाँ पर देखेंगे ये वाइट है तो यहाँ वाइट आएगा, यहाँ रेड है तो रेड अल्टरनेट में रेड आएगा, और यहाँ ग्रीन है तो यहाँ पर ग्रीन आएगा। दैट मीन्स वाइट रेड और ग्रीन वाला पीस यहाँ पर लगेगा। तो ये पीस जो है वाइट रेड और ग्रीन वो यहाँ पर लगेगा, और क्योंकि ये वाइट यहाँ पर है तो फ्लिप होके यहाँ पर आ जाएगा, तो ये पीस सही है। सो हम लोग एल्गोरिथम करेंगे हम लोग ये 2R UI 2R। तो आप देख सकते हैं कि ये पीस जो है वो यहाँ पर मैच हो गया है, ये पीस ऑलरेडी मैच हुआ हुआ है। यहाँ पर पीस जो है येलो, ये रेड, यहाँ पर रेड आएगा
और यहाँ पर ग्रीन आएगा। येलो रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन हमको ढूंढना है जो कि यहाँ पर नहीं है, ये यहाँ पर है पीस, ये पीस यहाँ पर आएगा। तो हम लोग ये पीस पहले देख लेते हैं, ये पीस कौन सा है। यहाँ पर है येलो रेड एंड ब्लू, तो येलो रेड एंड ब्लू यहाँ पर है, येलो ब्लू रेड ये पीस यहाँ पर आएगा। सो टू आर यू, टू आर यू आई, टू आर। तो आप देख सकते हैं ये पीस इसके साथ मैच हो गया और ये पीस ऊपर चला गया जो हमको यहाँ चाहिए, रेड ग्रीन और येलो, रेड ग्रीन येलो। तो हम लोग इसको यहाँ पर ले लेंगे अभी, टू आर यू, टू आर यू आई, टू आर। सो आप देख सकते हैं कि ये मैच हो गया। अभी क्यूबॉय की तरह ही हमको ये दो साइड जो है वो मैच करने हैं, ये या ये या ये या ये। सो कोई भी दो साइड मैच करने के लिए जो हमारा अल्गोरिदम है वो है 2R U, 2R UI, 2R, फिर इसको फ्लिप कर दीजिए 2R UI, 2R U, 2R। अभी देखेंगे कोई दो पीस मैच हुए कि नहीं है। ये दो पीस इसके साथ मैच हो गए हैं, तो हम लोग इसको लेफ्ट साइड में रखेंगे जो मैच हुए है पीस, और फिर से वही एल्गोरिथम हम लोग करेंगे। इसको लेफ्ट में रख के 2R U, 2R यू आई, टू आर फ्लिप होके 2R यू आई, 2R यू, 2R। अभी हम लोग देखेंगे ये सभी साइड्स जो है वो मैच हो गई है इनके साथ। अभी जो सेंटर है ये 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 और ये, इसको मैच करना है। तो ये वाइट जो है वो पीछे जाएगा, या हम लोग ये भी कर सकते हैं कि बेसिकली हाँ, इसको भी हम लोग फ्लिप करेंगे तो यहाँ पर आएगा। तो इसका जो एल्गोरिदम है ये फ्लिप करने का वो ऐसा है कि ये दो ये साइड जो है वो यहाँ फ्लिप हो जाएगा, ये दो पीस यहाँ पर आ जाएगा 2R U, 2R U, 2R 2U, 2R 2U, 2R U, 2R UI, 2R। तो आप देख सकते हैं ये दोनों पीस मैच हो गए। अभी ये पीस यहाँ पर आ गए, ये पीस यहाँ पर आ गए, ये पीस यहाँ पर आ गए। तो इन दोनों को फ्लिप हम लोग करेंगे पहले, तो ये दोनों यहाँ आ जाएंगे, ये दो पीस यहाँ पर आएंगे 2R U, 2R U, 2R 2U, 2R 2U, 2R U, 2R UI, 2R। तो ये साइड मैच हो गए, ये साइड मैच हो गए, ये येलो पीछे जाना है और वाइट आगे आएगा। उसके लिए अल्गोरिदम अलग है। साइड फ्लिप के लिए जो मैंने अभी किया वो अल्गोरिदम अलग था, ये अल्गोरिदम अलग है। इसके लिए हम लोग 2R 2U, 2R 2U, 2R 2U। तो आप देख सकते हैं कि सभी साइड्स अभी मैच हो गए हैं। अभी एक पैरिटी एरर नॉर्मली आती है जो आप यहाँ पर देखेंगे। जैसे अभी ये साइड हमने पहले सॉल्व की थी वो अभी फ्लिप हो गया है,
आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये ब्लू लाइन यहाँ पर होनी चाहिए और ये दोनों फ्लिप हो गए हैं। आप देख सकते हो यहाँ ये ऑरेंज यहाँ होना चाहिए, ब्लू यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर ये ऑरेंज यहाँ या ब्लू यहाँ होना चाहिए, जो फ्लिप हो गया है। इसके लिए हमको एक ये पैरिटी एरर इनको बोलते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए एक एल्गोरिदम है जो इसको सॉल्व करेगा। तो पहले हम लोग ये करेंगे 2R 2U 2R 2U 2R 2U। अभी एक हम लोग एक्स्ट्रा यू करेंगे, यू फिर से हम लोग वही एल्गोरिदम 2R 2U 2R 2U 2R 2U। अभी आप देख सकते हो कि ये मैच हो गया है, बट यहाँ पर आपने देखा होगा ये पूरा जो है वो डिस्टर्ब हो गया। तो हम लोग अभी इसको मैच करेंगे और अभी हम लोग देखेंगे ये जो साइड्स कॉर्नर है, ये दो कॉर्नर और ये दो कॉर्नर, ये एक्चुअली क्रॉस फ्लिप होते हैं। ये ब्लू वाला कॉर्नर यहाँ था, उसको यहाँ आ गया है, और ये कॉर्नर यहाँ पर था, उसको यहाँ हो गया है। आप देख सकते हैं कि दोनों फ्लिप हो गए, ये दोनों भी फ्लिप हो गए। अभी हमको इनको अपनी पोजीशन पे लाने के लिए, ये नीचे वाला साइड सॉल्व है, सिर्फ ऊपर वाले दो चार कॉर्नर है वो फ्लिप हो गए हैं, तो इसको ठीक करने के लिए हमको इसको उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा करके पहले ये पीस हम लोग ऊपर ले जाएंगे, और ये पीस जैसे ऊपर जाएगा तो ये पीस यहाँ पर लाकर हम लोग रिप्लेस कर लेंगे। तो पहले हम लोग इसको ऊपर ले जाएंगे, 2R U 2R UI 2R। अभी ये पीस को हम यहाँ पर लेना है, तो इसको 1 2। अभी आप देखेंगे ये ब्लू ऑरेंज और वाइट वाला पीस है, तो वाइट ब्लू और ऑरेंज, सो 2R U 2R UI 2R। तो ये पीस अपनी जगह पर आ गया। अभी ये जो पीस था जहाँ से हमने लिया था उसको ओरिजिनल प्लेस में डालना है, तो फिर से जहाँ पर से लाए थे वो वहाँ पर हम लोग फिर से उसको प्लेस कर देंगे। तो इसको 2R U 2R UI 2R। तो आप देख सकते हो कि ये भी अपने जगह पर मैच हो गया। अभी ये दो पीस है उसको फ्लिप करना है, तो पहले इसको नीचे ले आएंगे इसके, और फिर से वही एल्गोरिदम 2R U 2R UI 2R। फिर ये पीस को हमको यहाँ ले जाना है, तो उसको यहाँ पर नीचे ले जाएंगे, 2R U 2R UI 2R। अभी फिर से हम इनको ओरिजिनल जगह पर ले आएंगे, 2R U 2R UI 2R। तो आप देख सकते हैं कि आपका ये जो क्यूब है वो सॉल्व हो चुका है। अभी इनको हम बर क्यूब में, वॉल क्यूब है ये, उसको बर क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए इसको फिर से यहाँ पर आप ले आइए ऐसे, और अल्गोरिदम हमको करना है U2M UI 2M U2M UI 2M U2M UI 2M, और इसको फिर ऊपर ले आइए। तो और अभी आप सभी साइड जो है वो एक तरह से सेट कर लीजिए, तो आपका ये क्यूब जो है वो सॉल्व हो गया। अभी इसके ऊपर कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं अपनी कोशिश करूँगा इसको आपकी जो भी क्वेरी है उसको सॉल्व करने का। थैंक यू वेरी मच।